नमस्कार दोस्तों, होलीवर्स की अपडेट क्या है, होली चेन का प्राइस क्या, सीन क्या हो सकता है, उम्मीद क्या लगाया जा सकता है, होलीवर्स गेम, टेक्टल रिलॉन्च, मैजिकल क्रिस्टल कमी का इम्पोर्टेंस, ये सब कुछ हमें आज ही समझना है। होलीवर्स कम्युनिटी मेंबर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर बिटफोर्स माइनिंग मशीन कैसे बढ़ाया जाते हैं, ज़्यादा एनटीसी कैसे माइनिंग किए जाते हैं, ये चीज़ अगर आपको आज नहीं पता तो ज़रूर पछताएंगे आप। तो सबसे पहले बात यह है कि लाडो के सिस्टम के अपडेट हो रहा है, मतलब भले ही कुछ दिन काम नहीं हो पा रहे हैं, मतलब यही है कि सिस्टम और बेहतर होने जा रहा है, टेक्निकली और ज़्यादा एडवांस होने जा रहे हैं। आपको नए नए टूल्स मिलेंगे इन काम के लिए, कंप्लीट न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, वेब 3 का पार्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ AI टेक्नोलॉजी, मेटावर्स गेम, एक ऐसी गेम जिसके ट्रायल वर्सन में ही हमने देखा कि कितनी बेहतरीन गेम है। वैसे तो गेम में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे, फिर भी मुझे अच्छा लगा, मैंने पूरा एक्सप्लोर किया। इस गेम में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मेरा सजेशन यही है कि अपने आप को तैयार रखिए मेटावर्स गेम के लिए, अपना DNA डिकोडिंग अवतार बनाने के लिए। पैसा कमाने का मौका बहुत मिलेंगे यहाँ आपको। हाँ, टेक्निकली थोड़ा सा एडवांस होगा, अपने टीम लीडर के साथ कनेक्टेड रहिएगा सब कुछ आसान भाषा में समझने के लिए। और अगर आपके अपलाइन या टीम लीडर का अता पता नहीं है तो अभी से ही एक डेडिकेटेड अपलाइन के साथ ज्वाइन करके यूनिवर्स गेम एफ में जुड़ जाइए, होली चेन बाय कर लीजिए और फिर बिटफोर्स माइनिंग स्टार्ट भी कर दीजिए। बाद में किसी क्रॉस लाइन से आप नहीं सीख पाएंगे, उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप, कोई भी आपको नहीं सिखाएंगे क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं रहेंगे। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएंगे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। दोस्तों, मैजिकल मिनी गेम क्रिस्टल कमी की बात करूँ तो ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। अब मैं 4th स्टेज में हूँ, रेगुलर अपने पैट को अपग्रेड कर रहा हूँ, फ्री है। शुरुआत में 1,000, 2,000, 5,000 पॉइंट मिल रहे थे, अब 5 लाख से ज़्यादा आ रहे पॉइंट, और भी ज़्यादा आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिनी गेम क्रिस्टल कमी होलीवर्स इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस मत कीजिए। लाडो के हर एक सिस्टम में सरप्राइज कई बार मिले हैं, इस तरह इस बार भी जरूर मिलेंगे। स्टार्टिंग में चीज़ें आसान होते हैं, बाद में महंगा हो जाते हैं। वैसे ही NTC माइनिंग के बारे में जिसको समझ में आ गया वो अपने TR को एक्सटेंड करने के लिए 1 सेकेंड भी देर नहीं कर रहे हैं। जिनको समझ में नहीं आया वो होली चेन के प्राइस बढ़ने के इंतजार में है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि और प्रोसेसिंग मशीन कैसे मिलते हैं, जितना ज़्यादा और प्रोसेसिंग मशीन उतना ज़्यादा NTC माइनिंग होते हैं, ज़्यादा NTC का मतलब ज़्यादा क्वांटम ओर, और फिर ज़्यादा बिटफोर्स माइनिंग भी आपको होगा। आप कोई अंदाज़ा लगा नहीं पाएंगे आज के तारीख में बिटफोर्स का प्राइस क्या हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब तक पूरा समझ में आएगा तब तक क्वांटम और प्रोसेसिंग मशीन बहुत महंगा हो जाएंगे। स्टार्टिंग में एक NTC में 15-20 या उससे ज़्यादा ओरे मिल रहा था, अब एक NTC से मुश्किल से एक ही ओरे मिल रहा है। कुछ दिन बाद 10 NTC से ओरे एक भी ना मिलेंगे शायद। जो लोग इस इंतजार में है कि होली चेन के प्राइस बढ़ेंगे तब TR एक्सटेंड करेंगे, कॉइन कम लगेंगे, हाँ कॉइन भले ही आपको कम लगेगा लेकिन NTC में आपका बहुत नुकसान हो जाएंगे। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब HC4 जनरेट हो चुके हैं, मैंने HC4 से अपना सभी TR एक्सटेंड कर चुका हूँ। अगले 3 से 4 दिन में मेरा HC5 जनरेट हो जाएंगे और तुरंत HC5 से भी मैं एक्सटेंड कर लूँगा। अब जितने भी माइनिंग मशीन मेरा कंप्लीट हो रहा है उतना NTC माइनिंग भी कम होते जा रहा है। रेगुलर बेसिस में TR एक्सटेंड करते रहूँगा तभी मेरा नए नए मशीन ऐड होते जाएंगे और मेरा NTC माइनिंग कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, NTC का वैल्यू अगर आपको नहीं पता, जब पता चलेंगे तब ना पछताए, इसीलिए अपने TR को रेगुलर बेसिस एक्सटेंड करते रहिए, चाहे होली चेन का प्राइस कितना भी क्यों ना हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब होली चेन का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा पर NTC माइनिंग होगा ही नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।